नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। नवरात्रि की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में हम तरह तरह से माता जी को प्रसन्न करते हैं और विविध प्रकार से उनकी आरती, वंदना, पूजन, अर्चन करते हैं। इसमें हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं। दोस्तों, आज मैं एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ आप सभी को कि हम सभी के मन में ये अक्सर आता है कि अखंड ज्योति यदि बीच में बुझ गई तो हमारे साथ कुछ अपशगुन हो जाएगा, मैं हमारा कुछ अशुभ हो जाएगा या माता जी रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, मैं यह क्लियर बता देना चाहती हूँ कि आप कभी भी यह मन में विचार न लाएं कि माता जी हम सभी संतानों से कभी रुष्ट हो सकती हैं। माँ अपने संतानों से कभी रुष्ट नहीं होती। दोस्तों, जो अखंड ज्योति मान लीजिए किसी की बुझ जाती है तो शायद हमारी किसी लापरवाही या किसी गलती के कारण बुझ जाती है, ना कि माता जी के नाराज होने से। यदि हम अपने मन में पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरा प्रेम लेकर अखंड ज्योति जलाते हैं तो माता जी कभी हमसे नाराज नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, जब भी ऐसा अगर हो जाए, पहली बात तो आप ध्यान रखें कि ऐसा ना होने पाए। यदि ऐसा हो जाता है तो मन में किसी प्रकार का डर मत रखें, किसी प्रकार का भय मत रखें, क्योंकि जब आपके मन में किसी प्रकार का डर आ जाएगा, किसी प्रकार की अपशगुन की भावना आ जाएगी तो पूजा में आपका मन नहीं लगेगा। दोस्तों, माता जी से क्षमा मांगकर दोबारा आप बाती को जलाएं, अखंड ज्योति को जलाएं। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अक्सर यह कैसे होता है, फूल हटाते समय या बाती को बढ़ाते समय अक्सर ऐसा हो जाता है, तो मैं इसका भी नियम बता देती हूँ कि जब भी ज्योति में फूल लग जाए तो आप एक चिमटी, वहां पर छोटी चिमटी हमेशा साफ करके रखी रहे, उसको इधर उधर कहीं इस्तेमाल ना करें। पहले उस बाती को आप धीरे से बढ़ा दें, धीरे से पकड़कर चिमटी से बढ़ा दें, फिर धीरे धीरे आप फूल को जब हटाएंगे तो आपकी बाती नहीं बुझेगी। लेकिन यदि बुझ जाती है तो दोबारा आप बाती को प्रज्वलित करें और दोबारा से उन सब गलतियों पर ध्यान दें। मन में यह भावना कभी न लाएं कि मेरी अखंड ज्योति बीच में बुझ गई तो माता जी मुझसे नाराज हो गई और मेरे घर में कुछ अशुभ होने वाला है या अपशगुन होने वाला है, या कोई आपसे यह कहता है कि अखंड ज्योति बुझ गई तो आपके साथ कुछ अशुभ होगा, तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास ना करें, इस बात को बिल्कुल ना मानें और माता जी से क्षमा प्रार्थना करें और अखंड ज्योति दोबारा जलाएं। दोस्तों, यह बात मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी कि मेरे भाई बहनों, दोस्तों, किसी के भी मन में यह बात अगर हो, उनके मन में डर या भय आ रहा हो तो उसको अवश्य ही निकाल दें और पूरी श्रद्धा से माता जी की पूजा करें। हमेशा पूजा करने के बाद माता जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही कर लें और माता जी हमें क्षमा भी करती हैं और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अखंड ज्योति जलाते समय अपने मन में कोई मनोकामना माता जी से जरूर कहें और संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगी। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।